एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हिंसा और हंगामे के बाद मान गए राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से होगा सत्ता हस्तांतरण। बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के ऐलान के दौरान ट्रंप समर्थक संसद में घुस गए। संसद के अंदर गोली चली। वॉशिंगटन डीसी में दो हफ्ते का कर्फ्यू लगाया गया। हिंसा के बाद ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक किए। ट्रंप को परमानेंट अकाउंट बंद करने की चेतावनी भी दी गई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के चारों ओर आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हजारों की संख्या में हाईवे पर ट्रैक्टरों के हुजूम की तस्वीरें आईं। पंजाब और हरियाणा में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। अमृतसर में ट्रैक्टरों की लंबी कतार दिखी। हरियाणा के पलवल में भारी पुलिस बल के बीच ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च पर किसान बोले, ये तो 26 जनवरी की झांकी है, गणतंत्र दिवस पर इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किसानों के साथ सरकार की अगली बैठक कल होने वाली है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। किसानों के बड़े जमावड़े की वजह से कोरोना फैलने का खतरा है। कहा किसान आंदोलन भी कहीं तबलीगी जमात न बन जाए। कल देश भर में होगा कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। देश के हर जिले में ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन पर राज्यों के साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की बैठक। हर्षवर्धन बोले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट तैयार है। कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यूके से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। दिल्ली में आज कोरोना के करीब 500 मामले सामने आए। देश में लगातार घट रहे हैं कोरोना मामले। अब देश में 2,28,000 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। 1,16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 3 जुलाई को होगी जेईई मेंस की परीक्षा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी। आईआईटी खड़गपुर इस बार जेईई की परीक्षा करवाएगा। एमपी में बर्ड फ्लू के खतरे पर सीएम शिवराज का आदेश। दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादनों पर बैन लगाया। एमपी के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैला है। यूपी के बदायूं में गैंगरेप और हत्या केस में मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित। फरार मुख्य आरोपी मंदिर का पुजारी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें तैनात। बंगाल में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले टीएमसी नेता लक्ष्मी रत्न शुक्ला बोले, मैं अभी के लिए राजनीति छोड़ रहा हूँ, विधायक हूँ और कार्यकाल पूरा करूँगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर महाविकास अघाड़ी में तकरार बढ़ी। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की। अजीत पवार बोले, मिलजुल कर विवाद सुलझाएंगे। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। शुभेंदु बोले, टीएमसी में सिर्फ गुलाम ही टिक सकते हैं। देश और दुनिया में पहली बार चली डबल डेकर मालगाड़ी। पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया। पीएम बोले, विकास के लिए न रुकेंगे न थकेंगे। 5 दिन के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिली। गांगुली बोले, अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ। शनिवार को हल्के हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे गांगुली। मुश्किलों में फंसे अभिनेता सोनू सूद। रिहायशी इमारत को होटल में बदलने के आरोप में बीएमसी ने सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यूपी के कुशीनगर में 30 घंटे से ज्यादा से पानी की टंकी पर चढ़े हैं दो भाई। बुजुर्ग माता पिता की हत्या के बाद नाराज हैं। परिजनों ने भी हंगामा किया। एमपी के रीवा में बस के ऊपर गर्म राख से लदा ट्रक पलटा। 4 लोगों की मौत हुई, 9 घायल हुए। कर्नाटक के मंत्री जेसी मधुस्वामी का इंजीनियर को अपशब्द कहने का वीडियो सामने आया। मंत्री ने इंजीनियर को कहा, सरकारी काम करते हो या सिर्फ पत्नी की साड़ी ही धुलते रहते हो।
देश में पेट्रोल के दाम बना रहे हैं नया रिकॉर्ड। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए के पार पहुंची। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूट रही है। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने मेलबर्न में होने वाला चौथा टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया। क्वारंटीन के सख्त नियमों की वजह से नाराज हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।